एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो इंदौर के ब्लॉग्स अब शुरू हो गए हैं। तो इंदौर में आज हमारा दूसरा दिन है, मतलब इस घर में, क्योंकि हम लोग कल आए थे और कल का पूरा दिन रेस्ट करने में और चीज़ें समेटने में लग गया। अभी तो आने वाले कई दिन क्लीनिंग करने में, चीज़ें समेटने में लगने वाले हैं, क्योंकि अभी भी सारा सामान अच्छे से मैंने सेट नहीं किया है। क्लीनिंग करनी है क्योंकि 3-4 महीने से घर बंद था और मिस्टर राउत आते थे 2-4 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए, फिर चले जाते थे। तो इस वजह से ना घर बंद ही समझो, और क्लीनिंग करना, मतलब क्लीनिंग उस तरह से हो नहीं पाई जिस तरह से रेगुलर होती है। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, डस्टिंग करनी है, और कपड़े इतने सारे हो गए हैं वॉश करने वाले, काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए, लेकिन बालकनी में कपड़े डालने की जगह ही नहीं है। जैसे हमारे वहाँ घर में कितना अच्छा होता था ना, छत में, पूरी छत में कपड़े कपड़े हो जाते थे और इतनी तेज़ धूप आती थी। यहाँ तो धूप भी नहीं है, सुबह सुबह इतना फॉग हो रहा था और अभी हल्की सी धूप आना शुरू हुई है, लेकिन बालकनी में कपड़े डालने की जगह ही नहीं है। तो कुछ कपड़े मैंने स्टैंड में डाले हैं, कुछ कपड़े बालकनी में फैलाए हैं, और मैंने बड़ा सा सूटकेस भी धोया है क्योंकि उसमें ट्रेन में सब्ज़ी गिर गई थी। वैसे सारे सूटकेस बहुत गंदे हो रहे हैं क्योंकि ट्रेन में ना जगह जगह गंदगी, और यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में फिर बहुत गंदे हो गए सूटकेस, वो भी मुझे क्लीन करने हैं। एक एक करके सारी चीज़ें क्लीन करूँगी। और मिस्टर राउत आज चले गए हैं ऑफिस, आज से उनकी ऑफिस जॉइनिंग स्टार्ट हो गई थी। नोनी यहाँ पे है, चॉकलेट खा रहा है, हाय बोलो, हाय। तो नोनी चॉकलेट खाना शुरू हो गया है क्योंकि वहाँ घर जाके ना आदत लग गई, मतलब आरू के साथ फिर कभी कोई ला देता था, कभी कोई, तो थोड़ा थोड़ा भी खाने लगा है। लेकिन अब मैं धीरे धीरे इसकी चीज़ें लिमिट करूँगी। और उसके अलावा घर का छोटा मोटा सामान, कल भी हम डीमार्ट गए थे, कुछ और चीज़ें रह गई थी जो समझ में नहीं आ रही थी और जो भूल गए थे हम लोग, रह गई थी, वो मैं अभी जाके लेके आई। सबसे पहले मैं एक मॉप लेके आई हूँ, फ्लोर मॉप, और ये काला का लेके आई हूँ, पहली बार ट्राई करूँगी इसको। वैसे अभी तक तो मैं नॉर्मल मॉप ही यूज़ करती थी, स्टैंड मॉप है मेरे पास, एक क्लोथ मॉप भी चाहिए होता है किचन में, कभी पानी वानी गिर गया, कहीं पर भी कुछ भी छोटा सा स्पिल हो तो वो क्लीन करने के लिए। तो काला का मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कैसा रहता है। उसके अलावा मेरे आटा छालने वाली छन्नी ना कल जल गई थी, मैंने वॉश की थी और चूल्हे के ऊपर ऐसे रखा, दूर से ही रखा, मुझे लगा जल्दी सूख जाएगी, लेकिन वो पूरा ही जल गया, प्लास्टिक की थी। तो डी मार्ट से लेके आई हूँ मैं, ये स्टील की मिली है मुझे, अच्छी आई है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। एक कपड़े वॉश करने वाला ब्रश भी पूरा ही ख़राब हो गया था मेरा। और नोनी के लिए जैगरी पाउडर, क्योंकि जैगरी पाउडर थोड़ा सा बचा था, वो ख़राब सा लग रहा है मुझे, तो मैं नया लेके आ गई। एक ट्रॉपिकाना लेके आई हूँ, नोनी को दिखाना नहीं है अभी, अदरवाइज़ फिर इसमें अटैक कर लेगा। अपने लिए कुरकुरे, चिली चटका, चाय वाय के साथ खाएंगे। और एक पनीर लेके आई हूँ, सांची का पनीर, यहाँ मुझे सही लगता है, अच्छा मिलता है। और उसके अलावा गार्बेज बैग नहीं था तो ये भी ज़रूरत थी, तो एक गार्बेज बैग, और कपड़ों में डालने के लिए ये, नोनी के कपड़ों में डालने के लिए डेटॉल, ये सारी चीज़ें ही ख़त्म हो गई थी, कुछ भी नहीं था घर पर। तो मैंने सोचा ज़रूरत की चीज़ें हैं, शाम को टाइम मिले ना मिले तो मैं अभी ले आती हूँ, तो ये चीज़ें रखती हूँ। उसके बाद मुझे अब लंच भी बनाना है, किचन वगैरह सब क्लीन है, बर्तन वगैरह भी सब क्लीन करके रखे हुए हैं, मैंने किचन क्लीन करा है। तो मॉर्निंग में नाश्ता वाश्ता करके हस्बैंड गए हैं ऑफिस, और आज मैंने टिफ़िन नहीं दिया उनको क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाया बनाने का, अभी दूंगी 1-2 दिन में। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें समेटते हैं, और आज से हमारा दूध भी आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने इस बार क्या किया, पहले तो गाय का ही लगाया था, इस बार आधा किलो हमने गाय का, आधा किलो हमने भैंस का दूध लगाया है। तो नोनी को पीने के लिए मैं दोनों ही ट्राई करूँगी इस बार, कौन सा वाला पीता है वो। बाकी चाय के लिए मुझे लगता है गाय नहीं, भैंस का बेस्ट रहेगा, क्योंकि सब लोग कहते हैं ना भैंस का दूध गाढ़ा होता है, तो मैं दोनों से चाय बना के ट्राई करूँगी कैसा वाला रहता है। और मुझे भी दूध पीना है क्योंकि घर पर तो ऐसा ही हो गया था, दूध वूध नहीं पी पाई थी। जब मम्मी के वहाँ जाती थी तभी मम्मी गर्म करके मुझे ज़बरदस्ती देती थी, लेकिन फिर ससुराल में नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं हो पाता है, वहाँ नहीं होता था दूध, तो फिर बच्चे बच्चे भी पीते थे इस वजह से। तो मुझे भी दूध पीना है और नोनी के लिए ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी बनाना है, तो बहुत सारे काम हैं। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मुझे चाय का मसाला बनाना था, काली मिर्च, लौंग, थोड़ी सी धूप में, मतलब उतनी धूप तो नहीं आ रही, फिर भी थोड़ा सा मैंने धूप दिखा दी थी। और उसके बाद इसको मैं ग्राइंड करके अच्छा सा पाउडर बना लूँगी। इसी के अलावा मैं इलायची का भी अच्छे से पाउडर बनाऊँगी। इलायची मैं अलग से पीसती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, इलायची अच्छे से पीस नहीं पाती है, कुछ कुछ दाने उसके ऐसे ही रह जाते हैं साबुत, तो इसलिए इलायची मैं अलग से पीस लेती हूँ और फिर बाद में इनको अच्छे से मिक्स करके एक साथ कर दूँगी। तो ये बढ़िया सा चाय का मसाला बन के तैयार हो जाता है। ये 5:45 बज रहे हैं और नोनी
अभी करीबन 1-2 घंटे सो के उठा है, अभी वो खेल रहा है वहां पे। तो मैं कुछ किचन का काम निपटा लूं और मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है, क्योंकि उसके बाद जब मिस्टर रावत आ जाएंगे ऑफिस से ना, तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना है, नोनी को वो डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि उसको कफ हो रहा है और उसको कोल्ड फिर से हो गया है, ठीक नहीं हो रहा। तो अभी जो है किचन के कुछ कंटेनर्स भी मैंने वॉश कर लिए हैं, लेकिन ना इनमें कुछ ना कुछ रखा हुआ था, खाली भी थे कुछ रखे भी थे, तो फिर ना मैंने सारा खाली करके अच्छे से वॉश कर लिया नई चीज़ें फिल करने के लिए, जो दालें वगैरह मैं कल लेके आई थी। और घर से भी मम्मी लोग ने बहुत सारा सामान दिया है, उनको रखने के लिए भी मुझे डब्बे चाहिए, तो वो है। और अभी मैं दिखाऊंगी घर से क्या क्या लेके आई हूँ, जो सामान आया है घर से वो भी सब एज इट इज़ रखा हुआ है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है देखने का, वैसे ही इतनी सारी चीज़ें फैली हुई हैं, यही समेटने का टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ बेटा, नौनी की पुलिस की गाड़ी देखो, जो कोई भी उल्टे काम करेगा शैतानी करेगा पुलिस उठा के ले जाएगी, नौनी की पुलिस सही है। बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मैं सोची हूँ इनको समेट लेती हूँ पहले, क्योंकि कपड़े तो पता नहीं कब सूखेंगे, कपड़े जल्दी से सूख जाते ना, तो फिर मुझे उनको रख के अरेंज भी करना था। और पहले तो जो है मैं सर्दियों के कपड़े निकाल के नहीं ले गई थी, तो सर्दी के कपड़े भी मुझे निकालने हैं, उनको भी सुखाना है, क्योंकि ठंड हो ही रही है, सर्दी के कपड़े चाहिए, स्वेटर वगैरह वो सब पैक ही रखी है बेड के अंदर, वो भी निकालने हैं, उनकी ज़रूरत पड़ रही है। और उसके अलावा गर्मी के जो कपड़े बाहर निकले हुए वो भी पैक करके रखने हैं। पूरा घर अभी फैला हुआ है, पता नहीं कब हो पाएगा। फिलहाल मैं सामान तो रख लेती हूँ जो घर से आया था। तो मैंने उस दिन दिखाया था लास्ट व्लॉग में कि मम्मी ने वो बनाए थे घर से, मदर इन लॉ ने खजूरे और मटरी, ये खजूरे लो बेटा खाओ और मटरी, तो काफ़ी सारा बना के दिया है मम्मी ने। ये कुछ घर पे भी रख के आई थी मैं, कुछ यहाँ के लिए लेके आई हूँ मैं, चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो वैसे ये खजूर है ना हमारे यहाँ मकर संक्रांति में बनते हैं, अभी मकर संक्रांति आएगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, ये शगुन होता है ये, गुगदी और खजूरे ये बनते हैं। अलावा एक डब्बे में दिया है मम्मी ने घी, घी लेकिन ना मैंने फ्रिज में रखा था आने से एक दिन पहले जमेगा करके, लेकिन ये जमा ही नहीं, और अभी भी ये पूरा का पूरा मेल्ट है, क्योंकि रास्ते में गर्मी पड़ रही थी और अभी भी ये गला हुआ है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी होनी है, एकदम घर का देसी शुद्ध घी है, कहीं से मंगवाया था मम्मी ने भाभी के मायके से, तो वहाँ बहुत अच्छा घी मिलता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हो रहा है टेस्ट वाइज। अलावा ये है चावल का आटा, तो चावल पिसवाया था मम्मी ने, तो थोड़ा आटा मैं भी लेके आई हूँ। और इसके बाद मेरी मम्मी ने भी काफ़ी सारा सामान भेजा है, अगर हम देहरादून में होते ना तो मम्मी और भी बहुत सारी चीज़ें भेजने वाली थी, जैसे कि सब्जियाँ फल वल जो भी अभी सीज़न चल रहा है इन सब चीज़ों का, लेकिन अभी इतना दूर हो गया लाने में प्रॉब्लम होता है, तो फिर भी मम्मी ने मतलब मम्मी से जितना पॉसिबल हो सका उतनी चीज़ें तो मम्मी ने डाल ही दी। तो सबसे पहले दो डब्बे, दो बोतल कहेंगे इसको, तो दो बोतल घी मम्मी ने भी दे दिया है, ये भी घर का बना हुआ है, मेरी मम्मी ने खुद बनाया है। तो ये घी, तो जब भी मैं घर से आती हूँ या फिर कोई ना कोई आता है, मेरी मम्मी घी भिजवाना कभी नहीं भूलती है, तो फिर से दो बोतल घी आ गया है नोनी के लिए, क्योंकि नोनी को घी खिलाना है, स्ट्रॉन्ग बेबी बनाना है ना। और पूरा थैला ही भेजा मम्मी ने, ये चावल का थैला होता है एक्चुअली, हमारे यहाँ चावल लेके आते नए वाले, मम्मी जब भी भेजती है इसी में भेजती है। इसमें मुझे खोल खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था इसमें क्या क्या रखा हुआ है सामान। घर की बनी हुई बढ़ियाँ, ये घर की बनी हुई बढ़ियाँ हैं इसमें, ये बहुत टेस्टी लगती है। मम्मी ने दिया है बेटा ये घर का लहसुन, हमारे खेत में लहसुन लगता है तो मम्मी ने वो दिया है। और इसमें भी देखना पड़ेगा, इसमें है गहत की दाल, ये गहत की चुड़कानी बनती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सब पहाड़ी चीज़ें ही दिखेंगी आपको, जो भी है भांग, हमारे खेत की भांग, ये इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। ख़त्म हो रही थी मेरे पास ये, और इस बोतल में है नींबू का सिरका, जो काला होता है ना, मतलब हमारे पहाड़ों में इसको चूप कहते हैं, बड़ा वाली नींबू जो होता है उसका सिरका बनाया जाता है, ये खाने वाने की चीज़ों में डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है चड़कानी में खासकर। हाँ, और ये है मम्मी ने दी है घर की हल्दी पिसी हुई, ये घर की, मतलब मैं हल्दी बाहर का यूज़ करती ही नहीं हूँ, मेरी मम्मी जब भी बेचती है घर का बेचती है, और वो कई महीनों तक चल जाता है, तो ये भी कई महीनों तक चलने वाला है। ये हो गया, और ये है काले वाले भट्ट, भट्ट मेरे ख़त्म होने वाले थे, तो भट्ट की दाल, भट्ट के डुबके, भट्ट की चुड़कानी, ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे यहाँ। तो इतनी सारी चीज़ें घर से आई है, काश हम देहरादून में होते तो पूरा गाड़ी भर के सामान ले आती मैं घर से, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो सका, क्योंकि कपड़े भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी लाने के लिए,
तो वो लेके आई मैं, और तवा लेके आई हूँ अपना जो मैंने जॉलजी भी मेले से लिया था, वो जूते चप्पल हो गए, शैम्पू की बॉटल्स हो गई, बहुत सारा कपड़ा, मतलब इतने सामान हो गया था ना, लाना मुश्किल हो रहा था। तो फिर भी इतनी सारी चीज़ें तो फ़िलहाल ले ही आए, तो इनको भी मैं रखती हूँ और डिनर की तैयारी करते हैं। फिर नोनी को ले जाना है हमने हॉस्पिटल। कौन जाएगा बेटा डॉक्टर के पास? नोनी। चुई कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे। इसके वैक्सीनेशंस भी दिए हैं, इनको वैक्सीन भी करना है। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा दी है अपने लिए, और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने पालक बॉईल करने के लिए रख दी थी। पालक यहाँ गड्डी के हिसाब से नहीं मिलता है, तोल के हिसाब से मिलता है। हमारे वहाँ तो 15 रुपये की या 10 रुपये की एक गड्डी मिलती थी, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग तरीके से मिलता है। फ़िलहाल चाय लेके मैं आ गई हूँ हॉल में, और यहाँ पे थोड़े से कुरकुरे और जो मटरी मम्मी ने दी थी घर से वो मैं खा रही हूँ। तो नोनी भी मेरे साथ साथ खा ही लेता है थोड़ा बहुत, और बच्चों से हर चीज़ नहीं छुपा सकते हो आप, तो मुझे उसको भी खिलाने पड़ता है क्योंकि वो इस ज़िद बार करता है ना आजकल। मैंने दिवाली में हमारे घर के लिए क्या लिया है अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो एक्चुअली ये मैंने दिवाली में ही ख़रीद के रख लिया था, मतलब यहाँ के एड्रेस पे मैंने ऑर्डर कर लिया था, लेकिन मैं आज देख रही हूँ उसको। तो मैंने मंगाया है ये इलेक्ट्रिक चॉपर, मुझे बहुत टाइम से ज़रूरत हो रही थी, मुझे मन कर रहा था कि मैं एक चॉपर लूँ, क्योंकि बार बार मिक्सी में ग्राइंड करनी पड़ती है चीज़ें, तो इसलिए मैंने सोचा एक इलेक्ट्रिक चॉपर ले लेते हैं। ये एक तरह का मतलब मिक्सर का ही काम करता है, अच्छे से चॉप करता है, फाइनली चॉप करता है, कोई भी चीज़ें चॉप करनी हो अच्छे से तो प्योरी वगैरह भी इसमें बन जाती है। तो मैंने इसमें बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े थे, अलग अलग ब्रांड के मैंने चॉपर भी देखे, सबके रिव्यूज़ भी पढ़े, तो एक बजट फ्रेंडली और इसमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हुए थे, तो ये मैंने मंगाया। ये है मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर अगारो का। तो अभी मैंने भी अच्छे से देखा नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाया था खोलने का, तो मैं भी अभी खोल ही रही हूँ इसको। ये है इसका जार, ये मैंने असेंबल कर दिया है, और इसमें डबल ब्लेड है और काफ़ी मतलब बड़े साइज़ का मंगाया है, जैसे कभी कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें ग्राइंड करनी हो तो ये काम आएगा। तो ये मेरा दिवाली की शॉपिंग है इस बार, दिवाली के टाइम पे ही मैंने परचेज़ किया था और यहाँ के एड्रेस पे मंगवा लिया था, तो नीचे जो सिक्योरिटी वाले रहते हैं उनके पास आया था। उसके अलावा एक और चीज़ मैंने मंगवाई है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, अभी मेरे पास ना टाइम ही नहीं है खोल के देखने का। तो मैंने सोचा अभी प्याज लहसुन ग्राइंड करना है, मैं पालक पनीर बना रही हूँ एक्चुअली, तो पालक पनीर बनाती हूँ और प्याज टमाटर इसमें ग्राइंड करना था। ये इलेक्ट्रिक चॉपर मैं बहुत टाइम से लेने का सोच रही थी, और दिवाली पे मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में भी मिल गया था। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप देख भी सकते हैं इससे मेरा काम इतना आसान हो गया है ना, प्याज ग्राइंड करना, टमाटर ग्राइंड करना, बार बार मिक्सर निकालने का झंझट ही ख़त्म हो गया है, और विद इन अ सेकेंड इतने अच्छे से ये चॉप कर लेता है। आप चाहो इसमें प्योरी बना सकते हो, आप देख सकते हो कितना फाइनली प्याज इसमें चॉप किया था। और उसके बाद शाम के टाइम पर करीबन 7-7:30 बजे नोनी को लेकर हम हॉस्पिटल आ गए थे, और हॉस्पिटल से आते आते काफ़ी लेट हो गया था, फिर मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं, तो अभी सुबह के 7-7:15 बज रहे हैं। नोनी सो ही रहा था, और इस टाइम पे ऐसा लगता है ना इतना अंधेरा हो रहा है, हम कितनी जल्दी उठ गए, क्योंकि फॉग भी लगा हुआ था। यहाँ का वेदर थोड़ा सा अलग है हमारे पहाड़ों से, हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है मौसम खुल जाता है तो बहुत अच्छी धूप आ जाती है, लेकिन यहाँ फॉग लगता है तो ऐसा लगता है अभी तक भी उजाला अच्छे से नहीं हुआ है। तो फिलहाल हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे काम में, क्योंकि आजकल बहुत सारे काम हो रहे हैं घर के क्लीनिंग से रिलेटेड, तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, उन्होंने थोड़े बर्तन कर लिए, उसके बाद नहा धो के फिर वो दिया बत्ती करेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह के 10 बज गए हैं और हस्बैंड थोड़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए निकले, हमारा भी नाश्ता हो गया, और मैंने सिंपल ब्रेड घी में फ्राई करके चाय के साथ वही खा लिया नाश्ते में, क्योंकि बहुत सारे काम करने थे, झाड़ू किया, पोछा किया, बर्तन किए, और बर्तन नहीं कपड़े वॉश किए, बहुत सारे कपड़ों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सूख नहीं रहे, और फिर गर्म कपड़े चाहिए होते हैं नोनी के लिए, बार बार वो गीले कर देते हैं तो फिर कम पड़ जा रहे हैं, तो इसलिए मैं फ़ैन चला के सुखाऊंगी उनको रात को, यही एक ऑप्शन है मेरे पास, जैसे बरसात में करते थे। इंदौर का मतलब मौसम मैंने जब भी देखो ज़्यादातर ऐसा ही देखा है, धूप नहीं आती है, या आज भी फॉग लगा है, बादल लगे हुए हैं, धूप नहीं है, और ऐसा ही मौसम रहता है। बाहर भी गए हम, सड़कों में पानी पानी भरा हुआ, पता नहीं हमारे आने से पहले बारिश हुई होगी इस वजह से पानी पानी भरा हुआ था। कल डॉक्टर के वहाँ से आने के बाद फिर ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया, काफ़ी लेट हो गए थे, 1.5 घंटा में वहाँ लग गया था। डॉक्टर ने बोला चेस्ट क्लियर है, मेडिसिन दिए इसको 3-4 दिन की और ठीक हो जाएगा, और इसकी वैक्सीनेशन की भी बात कर ली है, सर्दी ज़ुकाम ठीक हो जाए फिर इसको हम वैक्सीन लगवाएंगे। तो फिलहाल अभी मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, किचन क्लीन करना है, और उसके बाद छोटे मोटे बहुत सारे काम, ऑर्गेनाइजेशन, कपड़े रखने हैं, संभालने हैं, बेड टाइडी अप करना है। तो मैंने सोचा व्लॉग कंटिन्यू करते, फिर रेगुलर हो नहीं पाता है बिल्कुल ना,
एक फ्लो में आ नहीं पाता है इसलिए। पहला स्वेटर मेरा बहुत पुराना स्वेटर है और बहुत अच्छा लगता है मुझे अभी भी, यहाँ की ठंड के हिसाब से ठीक है। मतलब एक स्वेटर में काम चल रहा है अभी, एक स्वेटर और इसके अंदर एक थर्मल, दो चीज़ों से काम चल जा रहा है। और अभी अचानक से ही हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी, सिर्फ 5 या 10 मिनट की थी लेकिन काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी 5-10 मिनट में। तो इसके बाद मैं अंदर क्लीनिंग करूँगी थोड़ा सा, डस्टिंग में नहीं कर पाई थी जब से हम लोग आए थे, धूल मिट्टी सब ऐसे ही पड़ी थी फर्नीचर वगैरह में, टेबल वेबल बहुत गंदे थे, इनमें तो धूल की ऐसी लेयर जमी हुई थी ना, जिस कपड़े से मैं साफ़ कर रही थी वो पूरा ही गंदा हो गया था मिट्टी से। और ये बैम्बू प्लांट जो हमने रखा हुआ था, कुछ कुछ प्लांट तो उसमें से सूख ही रहे थे स्टेम्स, लेकिन अब जो है पूरा ही पानी सूख गया था तो पूरा ही ख़राब हो गया था, तो मैंने पूरा हटा दिया है। और यहाँ पे जो भी कुछ एक्स्ट्रा कैंडल्स वगैरह रखी हैं वो हटा दूँगी, और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं लंच की तैयारी करूँगी। अभी हल्की सी बारिश हो रही थी, फिर से बारिश रुक गई है और हल्की धूप आना शुरू हो गई। जैसे ही धूप आने का टाइम होता है वैसे यहाँ से धूप चली जाती है। तो कपड़े मैंने फैला तो दिए हैं, अब वो 2-3 दिन में ही सूखेंगे, रात को मुझे फैन चला के सुखाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे दाल बन गई है, इसमें मैंने तड़का लगा दिया है। इसमें ना मैंने लोबिया डाली थी, लोबिया और अरहर की दाल, लोबिया बड़ी अच्छी लगती है भिगो के आप रख दो एक रात पहले, बहुत अच्छे से बनती है दाल के साथ मिक्स करके। और यहाँ पर मैंने राइस रखे हैं, राइस बने, भूख लग रही है, सुबह से काम कर करके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई और मॉर्निंग में भी ब्रेड खाई थी तो भूख लग रही, तो खाना वाना खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर शाम की तैयारी, शाम के काम, तो बहुत सारे काम निपटाने हैं अभी भी, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद हम सीधा इवनिंग में आ गए हैं, नोनी अभी सो रहा है आराम से, करीबन 2-2.5 बजे वो सोता है आजकल, तो यहाँ पे थोड़ा सा रूटीन भी चेंज हो गया है, घर का माहौल अलग रहता है, वहाँ जल्दी उठते हैं बच्चे, जल्दी सो भी जाते हैं, लेकिन यहाँ उतना खेलना कूदना नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो आराम से ही सोता है और फिर सुबह आराम से ही उठता है। तो वो सोया हुआ था, जब तक मेरे पास थोड़ा सा टाइम है मैं कुछ काम कर लूँ यहाँ पे, तो काजू बादाम का पाउडर भी पूरा ख़त्म हो गया था नोनी के लिए, तो वो बनाऊँगी मैं, कुछ काजू बादाम थोड़े से रह गए थे डब्बे में, तो सबसे पहले मैं वो थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी और वही बनाऊँगी पाउडर। अभी नया वाला पैकेट मैं जस्ट खोल रही हूँ, ये हस्बैंड को दिवाली में ऑफिस से मिला था, तो वो कल ही लेके आए थे क्योंकि दिवाली में तो वो घर आ गए थे, तो ऑफ़िस में रखा हुआ था उनका डिब्बा, तो कल वो ऑफ़िस से लेके आए थे काजू बादाम और किशमिश, ये 3 चीज़ें उनको मिली थी दीपावली पे, तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी उसका। फिलहाल अभी मेरे पास मखाने भी थे, कुछ काजू बादाम भी थे, इनको मैं ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना। शाम के 4:15 बज गए और उन्होंने सो के उठ गए, उठते ही ये पीने लगा है जूस, दोपहर में इसको दिया था मैंने, थोड़ा सा पिया था, थोड़ा सा अभी पी रहा है। तो मैंने अपने लिए अदरक वाली चाय बनाई है, अदरक मम्मी ने घर से दी है, मेरी मदर इन लॉ ने, हमारे बगीचे में लगा हुआ था अदरक, तो थोड़ा सा मम्मी ने मुझे भी दिया है, घर के अदरक का टेस्ट, लेकिन ना मतलब जो चाय घर में बनती थी, जो टेस्ट घर की चाय में आता था वो टेस्ट यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ दूध अलग है ना, तो इस वजह से वहाँ की चाय इतनी टेस्टी होती थी, बड़ा अच्छा लगता था, बार बार चाय पीने का मन करता था, और इतनी ठंड होती थी तो ऑब्वियसली चाय पी जाती है, गुड़ वाली खासकर, लेकिन यहाँ भी चाय अच्छी तो होती है लेकिन वो टेस्ट नहीं आता, वो बात नहीं है। और ये कप मैं परसों ही लेके आई थी डी मार्ट से, क्योंकि मेरे सारे कप टूट गए, तो मैंने सोचा एक अच्छा सा कप ले लेते, ये लेके आई थी मैं। और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाना है, धनिया पीस के रखना है, बर्तन में कुछ इस तरह से सुखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे अभी चाहिए यूज़ में लाने हैं मुझे ये बर्तन अभी, तो इसलिए मैंने फ़ैन चला के छोड़ दिए थे ताकि ये जल्दी सूख जाए, क्योंकि धूप तो आती नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ बेटा, कोटी कटोरी, कोटी कटोरी को कोटी, बेटा फिनिश हो गया, अभी शॉप से लेके आएंगे, हाँ अभी शॉप से लेके आएंगे नोनी के लिए जूस, कौन पिएगा जूस? नोनी। कहाँ से लाएंगे? टच। शॉप से बोलो। टच। शॉप से। नोनी ने शर्माना भी सीख लिया आजकल। आलू दीदी बोलो, आलू दीदी मिर्ची हूँ। आलू दीदी। नोनी आलू दीदी, दादू, नानी, अप्पी, कार्तिक और सबको बहुत मिस कर रहा है, भैया भाभी और सबका नाम लेता है ये बीच बीच में। मिचियू बोलो शब को। मिचियू। अप्पी। अप्पी दीदी कॉलेज गई है बेटा, तो सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन यहाँ भी ठीक है, अच्छा लग रहा है यहाँ भी, लेकिन नोनी के लिए ये है कि अकेला हो गया बेचारा, तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी यहाँ भी रहने की इसको, और जल्दी कुछ टाइम में और जाएंगे हम घर, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी घर जाएँ हम लोग, फिर से आपको वहाँ के ब्लॉग्स देखने को मिले।
तो बहुत अच्छा लगा इस बार घर इतने लंबे टाइम तक पहली बार रहने को मिला। और मैंने ये मसालदानी भी धोई थी, ये भी गंदी हो रही थी और फिंगरप्रिंट्स, चिकनाई, धूल मिट्टी ऐसे जम जाती है ना इसमें, क्योंकि ये बाहर पे रखा हुआ था। तो मैंने पूरा अच्छे से धोया और इसमें हमेशा टिशू पेपर बिछा के ही मैं बोल्स रखती हूँ, ताकि मसाला कोई भी स्पिल होना तो डब्बा जल्दी से गंदा नहीं होता है, बार बार वॉश भी नहीं करना पड़ता इस तरह से। तो बस इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। जो भी छोटा मोटा काम मुझे समझ में आ रहा है जो मैं कर सकती हूँ विद इन 5 to 10 minutes या फिर टाइम के साथ मैनेज कर सकती हूँ नोनी के साथ, तो वो मैं कर रही हूँ। और अभी नोनी खेल रहा था, मैंने उसके लिए राइम्स लगा दी थी, तो मेरे पास कुछ और टाइम है ये कैबिनेट क्लीन करने का, क्योंकि हस्बैंड ने ना सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे करके रख दिए थे, समझ में नहीं आ रहा था कौन सा बर्तन कहाँ रखा है, सब ना मिक्सअप हो गया था। तो मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि बार बार बर्तन यूज़ में आते हैं ये वाले, फिर बार बार निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने पूरा ही कैबिनेट खाली करके अच्छे से धूल मिट्टी साफ़ कर ली, पेपर नया बिछा लिया और बर्तन भी अपने तरीके से, मतलब अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर लिए, क्योंकि उनका हाथ अलग रहता है, हमारा हाथ अलग रहता है, काम करने का तरीका अलग होता है। शाम के 7 बज गए हैं और पूरे घर का हाल आप देखिए, नोनी इतना वो कर देता है ना, फैला देता है सब जगह। तो मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और मंदिर वाले रूम में आज देख रहे होंगे दिया जलाया हुआ है। तो आज सुबह मंदिर की क्लीनिंग की हस्बैंड ने, उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई है, अच्छे से क्लीन करना है मंदिर मुझे। फ़िलहाल छोटा मोटा क्लीन करके उन्होंने दिया जला दिया था मॉर्निंग में और अभी शाम को मैंने जला दिया है। अभी मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, आटा गूंथ दिया है और बस रोटी बनानी है जब मिस्टर रावत आएंगे उसके बाद। तो चलिए होपफुली आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है आजकल और कोशिश करूंगी रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की। फिलहाल ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना। मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।